सामने आके दोहराता है, अमाल की कदर कीमतों के जहन से हटाता है। आज देखो क्या हालत है हमारी, हम जिंदगी के अंदर शराबें चल रही है सरेआम, जिना हो रहा है सरेआम, पर नजरी हो रही है सरेआम, अपने माँ बहन बेटी की तरफ हमारा निकाय उठा के किस तरीके से अपनी इज्जत को अपने हाथों से तार तार किया जा रहा है। हाय ये कैसा जमाना आ गया, खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना अब आ गया है। जमीन की तैवर बदल रही है, फलक की आंखें दिखा रहा है, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। जो हदीसों में फितने बतलाए गए, ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, और एक जमाना आए, वो मेरे नबी कह रहे थे आएगा आएगा, हम आपको कुरान और सुन्नत की रोशनी में बता रहे हैं वो जमाना आ गया। वो जो मेरे नबी कहते गए थे ना आएगा आएगा, हम आपको बता रहे हैं उसी नबी के फरामीन की रोशनी में वो जमाना, बोलो वो जमाना। खबर हदीसों में जिसकी आई वही जमाना आ गया है, जमीन भी तेवर बदल रही है, फलक भी आंखें दिखा रहा है, पराए माल को अपना समझे, हराम को भी हलाल जाने, गुनाह करे और कमाल समझे, बताओ दुनिया में क्या रहा है। सामने छोड़ा पितर का दामन, बहन को भाई सता रहा है, और खड़े हैं सब में हाथ बांधे, तवज्जो है नहीं, तवज्जो करे जरा, खड़े हैं सब में हाथ बांधे, खड़े हैं सब में हाथ बांधे, सब अपने अपने ख्याल में है। मस्जिद से कोई पूछे नमाज किसको पढ़ा रहा है, इमाम मस्जिद से कोई पूछे ये किसको नमाज पढ़ाई जा रही है, ये कितने फितने आ गए, शैतान हमारी इमारतों के अंदर मुखिल हो गया, शैतान अकल को आने नहीं देता, और अगर हम आ जाए तो शैतान हमें गुमराह करने की कोशिश करता है, तो हमारे जिंदगियों को तबाह करने की कोशिश करता है, हमारे आमाल को जाया करने की कोशिश करता है, कभी शिदत के जरिए, कभी दयाकारी के जरिए, कभी हमू को विवाद में कोताही करवाकर, कभी बहनों के हिस्से मरवाकर, कभी जरूरतों पे कब्जे करवाकर, कभी जमातें छुड़वाकर, कभी नमाजें छुड़वाकर, कभी शराबें पिलाकर, कभी जिना करवाकर, कभी बदनजरी करवाकर। और मेरे भाइयों, मेराज का सबक ये है, जिस तरह तुमने यहूद और नसारा की तरफ मायल नहीं होना, इसी तरह तुमने अपने असली दुश्मन शैतान की तरफ भी मायल